और जोर से रो। अम्मा अम्मा चुप हो जाओ बस चुप चुप। क्या हुआ इन्हें? अम्मा चुप ही नहीं हो रही है, क्या चाहिए इसे? कब से कोशिश कर रही हूँ। अच्छा 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 बस 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 गुड़िया रानी बस 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 बस। दूध कब दिया था इसे? 3 घंटे पहले, याद नहीं मुझे। इसको भूख लगी है नहीं? आपको कैसे पता? बोल तो सकती नहीं क्योंकि मैं इसकी अम्मा की भी अम्मा हूँ ना, इसलिए पता है मुझे। जा जाके दूध लेकर आओ किचन से। बल्कि रुको, ये इसको पकड़ो। मैं नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं संभाली जाती है, रोती रहती है। बस आप संभाले इसे। कोई बात नहीं, थोड़ी सी लेट हो गई अम्मा, अभी दूध आ जाता है, अभी नीचे जा। हेलो, हाँ हेलो, आवाज आ रही है? इसको तो चुप करो, इसको चुप करो। क्या करूँ फाखर, अभी मैंने इसे लटाया था, वापस रोने लग गई है। या तो तुम इसको गोद में ले लो ना और टहल वहल लो, फिर सही हो जाएगी। देखो ऐसे गोद में नहीं उठा रही हूँ फाखर, अभी तक मैंने इसे गोद में उठाया नहीं है, इतनी छोटी सी। अगर ये मुझसे गिर गई तो मुझे डर लगता है। तो तुमसे नहीं संभाली जाएगी तो तुम एक काम करो, तुम चाची को बुला लो, वो देख लेंगे। बुलाओ। मैं अम्मा को नहीं उठा रही, उन्होंने पूरा दिन इसको ही संभाला और साथ साथ किचन के काम भी किए हैं, वो अभी अभी सोई हैं। अभी उन्हें उठाऊंगी ना तो वापस से उन्हें सर में दर्द होगा। अच्छा तो एक काम करो ना फिर, मुझे नहीं समझ आ रही। कहाँ गायब थी यार तुम? 4 महीने गायब थी, हमें तो लगा तुमने कॉलेज ही छोड़ दिया है। नहीं यार, कॉलेज छोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिर 4 महीने से कहाँ गायब थी? वो मेरी ना फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, इसलिए इतनी लंबी छुट्टी ले ली। तो तुम ना एडमिन ऑफिस जाके चेक तो कर लो, पता है वो 4 महीने की छुट्टी पे ना एडमिशन कैंसिल कर देते हैं। नहीं, मैंने प्रिंसिपल से बात कर ली थी, उन्होंने एडमिशन ऑफिस पर बता दिया होगा, मेरा नाम नहीं हुआ होगा कैंसिल। चलो अब तुम आ गई हो ना तो मेरी मैथ्स की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर देना। और मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुमने एक भी मेरी कॉल नहीं उठाई। मैथ की प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, अब तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स डन, मेरी प्रॉब्लम्स। लेकिन तुम्हें भी एक मसला मेरा हल करना होगा। क्या? 4 महीने की मैंने छुट्टियाँ की है ना, उसका सारा काम देना पड़ेगा तुम्हें। डील हो गई, चलो क्लास पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, The characteristics, the characteristic of log 4, 6, 8, 9 is 3, thus log 4. बस करो बस करो। क्या रहनी है, क्यों रो रही है? फैजा एक काम करो, अम्मा को बुला दो प्लीज। अम्मा खुद सो रही है, अभी तक नहीं उठी। मैंने इसीलिए स्कूल की ऑफ कर दी, सोचा तुम्हारी हेल्प कर लूंगी घर के कामों में। थैंक यू फैजा। कनेक्ट ऑन करे तो मुझे आलू काट दो, खुल के नहीं तो मुझे डायपर का पैक पकड़ो। ये रहा, मैं आलू काट देती हूँ, ठीक है? छोटे छोटे पीसेस में काटने, मैं काट देती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। नहीं है फाकिर घर पे, अब एक जिम्मेदार इंसान है वो, तुम्हारी तरह निकम्मा नहीं रहा। अपने बाप का कारोबार भी संभाल रहा है, फैमिली भी संभाल रहा है, तो नन्ही सी बच्ची का अब्बा भी बन गया है वो।
अब तुम लोग इधर निकम्मा नहीं रहा, ज्यादा के निकम्मे दोस्त ढूंढो अपने, फाके घर पे जाओ। नाश्ता। अब क्या हुआ? चल के हाथ दिखाओ, थोड़ा दिखाओ। नहीं नहीं, इतना ज्यादा नहीं, चलो कोई बात नहीं। नहीं छोड़ दो छोड़ दो, वैसे भी ना आया रो रही है। मैं जल्दी से मैंने नाश्ता पकाओ, ठीक है? गरम तेल के छींटे बनाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जल्दी कर सो यार, मुझे लेट हो रहा है, प्लीज। चलो फाखर, मैं ना तुम्हें ब्रेड निकाल के देती हूँ। ब्रेड दे रही हो मुझे अभी? आखिर बस प्लीज आज के दिन खा लो। हाँ, आज मेरी 8 बजे वाली क्लास है, जिस दिन मेरी 9 बजे वाली क्लास होगी ना, मैं तुम्हें दे दूंगी, पराठे बना के दे दूंगी। अरे ब्रेड तो ले जाओ, दो ये लो। सही, फाखिर ये वेल्जर साहब ने सप्लाई की एक्सेल शीट बना के दी, इसको ज़रा अभी देख लो। देख लूँगा यार अम्मा अभी, ये वैसे भी समझ ही नहीं आती मुझे जो जो चीज़ें हम रोज़ साइन वाइन करके दे रहे होते हैं। ये क्या कह रहे हो? अरे समझ नहीं आती तो समझो, समझना होगा तुम्हें भी और मुझे भी। कारोबार सिर्फ मिल्कियत का नाम नहीं है, इसे समझना पड़ता है, चलाना पड़ता है, अरे मुनाफा बख्श बनाना पड़ता है, ऐसे तो काम नहीं चलता। भाभी। हाँ मैम। आओ अंदर आ जाओ। आओ। वो मैं ये कह रहा था कि आप सप्लाई शीट ज़रा अच्छी तरह से देख लीजिएगा, आज माल दूसरी जगह से आ रहा है। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, ये फाखिर देख रहा है ना, ये देख ले तो फिर साइन करके देता है। फाखिर हाँ बहुत समझदार है, 2 मिनट में पढ़ लेते हैं ये शीट। मैं और भाई साहब तो एक एक घंटा सोचते थे इस पर। मैं भी जो है ना वो देखभाल के सोच समझ के जो है ना साइन करके देता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक जरूर, ठीक है, सही है, ठीक है बाबा। ये अभी भी क्या बच्चा ही सोचते हैं मुझे? जाहिर है तुम अपना बचपना घर छोड़कर नहीं आते ना, ऑफिस लेकर आते हो, इसलिए संजीदा नहीं हो तुम काम के बारे में, इसलिए इसको पढ़ो। अरे रुक, हाथ तो धो लो जानू। पर अम्मा फिर रो जाएगी ना, जरासीम लग जाएंगे मेरे, बाहर से आ रहे हो, मुन्नी को तुम जरासीम दे दोगी? हैं आप सही कह रही हैं, मैं जाती हूँ, हाथ में सूख के आती हूँ, कपड़े चेंज करके आती हूँ, मैं संभाल लूँ। बच्चे भाई सालन बन गया है, रोटियाँ डाल दो आके। आयशा आ जा। मैं संभाल लूंगी। मैं आपकी हेल्प करती हूँ। हाँ अच्छा।